What is eSIM? eSIM का तो नाम सुना ही होगा और अभी जो है इंडिया में काफी सारे स्मार्टफोन जो है वो eSIM के साथ आने लगे हैं और यहाँ तक कि इंडिया के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो eSIM का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। तो अब इंडिया में भाई eSIM की बात करनी चाहिए और आप भी हो सकता है eSIM वाला फोन लेने वाले हो या फिर हो सकता है आप फ्यूचर में eSIM वाला फोन देखने को मिल जाए जो आप फोन लेने वाले हो। अब देखो eSIM होता क्या है, eSIM ई का मतलब है एम्बेडेड सिम, तो eSIM मतलब एम्बेडेड सिम जो कि आपके फोन में ही एम्बेडेड हो, आपके फोन में जो आपका मदरबोर्ड है उसी में ऑलरेडी लगा हुआ सिम हो, मतलब आपको अलग से सिम डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके फोन में होगा। अब बोलोगे कि भाई फोन नंबर वगैरह कैसे मिलेगा, तो इसमें बेसिकली हार्डवेयर जो होता है सिम का वो ऑलरेडी आपके फोन में लगा होता है, क्योंकि सिम में एक छोटी सी चिप होती है और वो आपके फोन में अगर लग जाए तो वो बड़ा सा जो प्लास्टिक बॉडी होती है सिम की वो हमें लगानी नहीं पड़ेगी। तो ई सिम जो है वो आपके फोन में लगा होगा और जैसे आप कोई नंबर सेलेक्ट करते हो या फिर कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करते हो जैसे जियो या फिर एयरटेल, तो फिर कुछ नहीं, आपको उसको एक्टिवेट करना होता है। आपका जो फिजिकल सिम होगा फिलहाल उसको आपको ई सिम के लिए एक मैसेज डालना होगा, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड या फिर एक नंबर मिल जाएगा जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग में जाकर डाल देना होगा और आपका वो नंबर जो है वो शुरू हो जाएगा आपके ई सिम पर। तो ये इस तरह का हमारा ई सिम होता है। अब भाई ई सिम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ई सिम की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी ज़रूरत जो है वो है स्पेस। तो हमें स्मार्टफोन में ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, स्टोरेज वाला स्पेस नहीं, मतलब जो आपकी इंटरनल स्टोरेज वाला फिजिकल स्टोरेज जो होती है आपके फ़ोन में जो पीछे हार्डवेयर होता है उसमें स्पेस को बचाना जो है इसलिए हम ई सिम का यूज़ करने लगे। अब स्पेस बचाने के चक्कर में 3.5 mm ऑडियो जैक को हटाने लगी ब्रांड्स, तो अब जो है सिम स्लॉट को भी हटाने लगी। देखो प्लास्टिक का वो सिम होता है, उसकी प्लास्टिक बॉडी भी होती है, उसको रखने के लिए ट्रे भी होती है, उसे अंदर घुसाना पड़ता है, तो काफ़ी सारा स्पेस जो है वो कंज्यूम होता है सिम के लिए। तो अगर वो ई सिम दे दे, क्योंकि छोटी सी चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड में फिट हो जाएगी, तो काफ़ी सारा स्पेस जो है वो सेव कर लेगी आपके फ़ोन की स्टोरेज का। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ब्रांड जो है वो आपको काफ़ी सारे और अलग से हार्डवेयर दे सकते हैं और इस तरह से उनको स्पेस की भाई कमी पड़ती रहती है, तो स्पेस बच जाएगा, तो आपको हो सकता है कोई एक्स्ट्रा फीचर वगैरह मिल जाए। अब दूसरी वजह जो है वो है सिक्योरिटी। तो ई सिम का यूज़ करने से ना आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी सिक्योर बन जाता है। अब कैसा सिक्योर बन जाता है वो आगे बताऊँगा। तो ये ध्यान रखना सिक्योरिटी जो है वो भी एक रीज़न है ई सिम यूज़ करने का। वो कैसा काम करती है आगे बात करते हैं, वो है प्रोज में, मतलब इसके एडवांटेजेस देखते हैं ई सिम के, और इसी में मैं आपको सिक्योरिटी की यहाँ पर रीज़न भी बता दूंगा। सबसे पहले तो फ़ायदा यही है कि स्पेस बचेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक स्प्लैश प्रूफ या फिर वाटर रेजिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो सिम ट्रे होती है वो डायरेक्टली वाटर के लिए एक जगह बन जाती है, डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड तक जाने का रास्ता क्रिएट कर देती है। अगर आपकी जो सिम स्लॉट की जो ट्रे है, सिम ट्रे जो है वो है, वो अगर थोड़ी सी लूज़ होती है या फिर जो ब्रांड्स है वो उस पर कोई सील वगैरह नहीं देती है, तो पानी उसके अंदर जा सकता है और डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से एक सिम स्लॉट हटा दिया और सिम ट्रे हटा दी, तो एक जो है रास्ता ख़त्म हो जाता है पानी का अंदर जाने से। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स में स्विच कर सकते हो। अब आप जियो यूज़ कर रहे हैं, मन कर रहा है एयरटेल का यूज़ करना है, तो आपको ऐसा नहीं है पोर्ट करना होगा और बाहर जाना होगा किसी स्टोर पर या फिर शॉप पर, फिर एक दूसरा सिम लेना होगा, वेट करना होगा, ऐसा कुछ इसमें झंझट नहीं होती है। बस मन आया एयरटेल यूज़ करना है, तो यहाँ पर उसकी आपने रिक्वेस्ट डाली और फटाफट से घर बैठे आप डिफरेंट ऑपरेटर्स में स्विच कर सकते हो। और अगला फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन अगर बाई चांस चोरी हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी हद तक ही आपको सिक्योर करने की कोशिश करेगा। अब फ़ोन आपको कोई चोरी करता है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, या तो सिम निकालेगा, स्विच ऑफ करेगा, तो अगर वो सोचता है कि सिम निकालूं तो सिम कैसे निकालेगा वो, मतलब फ़ोन अगर वो ऑन भी करता है ना तो आपका तो उसमें सिम ऑलरेडी डला हुआ एम्बेडेड सिम है, तो वो सिम ना तो निकाल पाएगा और उसको जैसे ही फ़ोन को ऑन करेगा तो आपके नेटवर्क आ जाएंगे, और चाहे तो आप उसकी ट्रैक करवा सकते हो अगर ट्रेसिंग वगैरह करा रहे हो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका फ़ोन एक्टिव रहेगा और आपको उसकी लोकेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके क्या कॉन्स है ई सिम के। तो सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि आपको अगर अपने फ़ोन में से
जो सिम आप यूज कर रहे हो फिलहाल ई सिम, अगर वो दूसरे फोन में यूज करना है, जैसे कि आप अक्सर यूज करते होंगे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए दूसरे फोन में, अगर आपको वो सिम यूज करना है तो वो काम आप नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ई सिम है, और हो सकता है आप जो दूसरे फोन में यूज करना चाह रहे हो थोड़ी सी देर के लिए टेम्परेरी, तो आप जो है वो उस ई सिम को उस फिजिकल सिम वाले फोन में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका ई सिम है और दूसरे हाथ में आपका फिजिकल सिम वाला एक फोन है, तो उसमें नहीं कर पाओगे। और ई सिम वाला भी है तो आपको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, कोड आएगा या फिर QR कोड आएगा वो उसमें डालना होगा, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और फिजिकल सिम में फायदा होता है डायरेक्ट निकाला और दूसरे फोन में डाल के यूज कर लिया, लेकिन ई सिम का ये नुकसान हो जाता है कि आप इधर से उधर, उधर से इधर जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आप जो है सिम को टेम्परेरी निकाल नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्राइवेसी चाहिए या फिर कुछ ऐसा काम करो कि आपकी कोई लोकेशन वगैरह ट्रैक ना करे, ऐसा कुछ मतलब पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं किसी भी तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट ना रहूं, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर मेरा फिजिकल सिम हो, तो अगर इस तरह की लोकेशन वगैरह से बचना चाहते हो या फिर कुछ भी तरीके से आप थोड़ा इनकोग्निटो रहना चाहते हो, तो वो काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप थोड़ी सी देर के लिए ई सिम को डीएक्टिवेट नहीं करोगे या फिर और कुछ नहीं करोगे। आपका फिजिकल सिम होता है तो आप उसको निकाल कर एक साइड रख सकते हो, लेकिन ई सिम भाई आपके अंदर लगा हुआ है फ़ोन के अंदर, तो आप कुछ करोगे तो फिर भी डर रहेगा कि अगर आप कुछ जुगाड़ कर भी लेते हो तो फिर भी रहेगा ना कि अंदर तो सिम डला हुआ ही है, तो इस तरह की कुछ चीज़ हो जाती है। आपको थोड़ा खुद को प्राइवेसी के से रिलेटेड इशू हो सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, काफ़ी अलग ही केस पहुंच चुका है। तो फिलहाल डिसएडवांटेजेस मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगे, बस सबसे बड़ा तो यही है कि इधर से उधर, उधर से इधर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, दूसरे फ़ोन से तीसरे फ़ोन में स्विच करने में थोड़ी इशू हो सकता है। अगर आप लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरे क्या ओपिनियन है, मेरा क्या कंक्लूजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ई सिम जो है वो फ्यूचर है, अभी आपको फ्लैगशिप फ़ोन में, महंगे महंगे फ़ोन में ये चीज़ देखने को मिल रही है ई सिम, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको मिड रेंज डिवाइसेस में भी देखने को मिलेगा और धीरे धीरे बजट डिवाइसेस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, लेकिन इंडिया में थोड़ी लेट आई थी और इंडिया में अब आनी शुरू हुई है। और पता है नई चीज़ जो आती है वो महंगे फ़ोन से आती है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होती चली जाती है और वो सस्ते फ़ोन में भी आती चली जाती है, तो ये एक फ्यूचर है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको फ़ोन में दो तरह के सिम जो देखने को मिलते हैं, डुअल सिम स्मार्टफोन जो होते हैं उसमें एक फिजिकल सिम दे दो और एक ई सिम दे दो, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, एडवांटेजेस भी आपको मिल जाएंगे और जो डिसएडवांटेजेस थे वो आप अपने फिजिकल सिम स्लॉट वाले से दूर कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है, ई सिम आपको यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बता देना। और कैसी है टेक्नोलॉजी, इसको आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फ्यूचर है या फिर नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।